हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज मैं देखिए क्रोशिया से बहुत ही सुंदर बूट लेके आई हूँ बेबी के लिए। देखिए इस तरह से बन के आया ये और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, किस तरह से बनेगा ये, बहुत ही सुंदर है। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे देखिए दो कलर से मैंने इसको बनाया है, देखिए इन दो कलर से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेन ले लेंगे 16, एक इस तरह से बना लीजिए। अब यहाँ से काउंट करेंगे हम, एक 16 चेन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये 16। और ये देखिए फ्रेंड, ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है क्रोशिया, ना ज़्यादा पतला है, मीडियम साइज़ का क्रोशिया लिया है मैंने। अब देखिए अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 15 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ये हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और एक दो, एक छोड़ के दूसरी चेन पे यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देंगे और आगे तक 15 बार बनाएंगे, एक दो तीन चार सात आठ बारह तेरह चौदह और एक पंद्रह, लास्ट वाला थोड़ा टाइट होगा। यहाँ से हम दो चेन बनाएंगे, एक और एक दो। अब यहीं से पीछे मुड़ेंगे और फिर से 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये वाला छोड़ेंगे आगे वाले पे, इस तरह से हमें 10 बार बना देंगे ऊपर तक। ये हमारा दूसरी बार हो गया, एक दो, इस तरह से 10 बार बनाएंगे हम सभी डबल क्रोशिया और 15-15 बार। लास्ट वाला भी इस तरह से ऊपर तक बना देंगे। अब फिर से दो, एक दो, यहीं से पीछे मोड़ेंगे और फिर से वैसे ही डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
और ये देखिए इस तरह से 10 बार हमने ये बनाना है, फिर दो बार ये दो 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 इस तरह से। तो ये 10 बार मैं बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड 10 बार बना लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे और 4 बार हमने ये देखिए दूसरा कलर लगाया, 1 2 3 4 बार। फिर वैसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 15 15 बार। देखिए दो बार ये वाला कलर लगाऊंगी मैं, दो बार ही दूसरे कलर का, दो दो बार ही। बहुत ईजी है बनाना और बनता भी बहुत ही जल्दी है। अब इसके बाद फिर से हम रेड कलर लगा देंगे, 1 2 3, और यहीं से पीछे मोड़ेंगे। अब दो हम रेड कलर से बना देंगे, बस इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। बस इस तरह से दो दो डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो 4 बार हम ये वाला कलर लगाएंगे और उसके बाद फिर 10 हमने वैसे ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 इस तरह 10। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड ये 10 बार बना लिया मैंने। अब यहाँ से हम ऊपर वाला ये वाला पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, पहले 1 2 3। अब देखिए हर एक में से एक एक डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे, 1 2 3, जितने भी हमारे पास सब में से ये देखिए इस तरह से एक एक बनाते जाएंगे। ये आगे वाला, उससे आगे वाले में, तो पूरे राउंड में हम इसी तरह से बना देंगे। एक एक ही बनाएंगे। देखिए कलर वाला भी देख लीजिए, इसमें भी हमने ये बनाया, फिर ये वाला कलर बनाया, फिर एक आगे वाला। बस इसी तरह से हमें लास्ट तक सभी को बना देंगे। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है, पूरे राउंड में बना देंगे।
अब फ्रेंड एक राउंड लगा लिया, अब यहीं से हम पीछे मुड़ेंगे और एक और राउंड लगाएंगे, यहाँ तक लगा लेंगे, यहाँ से आगे फिर बताती हूँ मैं आपको। तीन चेन बना ली, अब हर एक चेन में से इस तरह से हम एक एक राउंड बनाते जाएंगे। फिर अगले वाला दिखाती हूँ, जहाँ तक हमने दूसरा कलर लगाया वहाँ तक हम इसी तरह से बना देंगे। अब देखिए यहाँ कलर तक पहुँच गए, तो यहाँ पे हम दो दो का एक बनाएंगे। देखिए एक बार इस तरह से बना लिया, फिर इस तरह से करा और एक अगले वाला। अब इन दो सबको इकट्ठा बंद कर देंगे। फिर देखिए जहाँ तक हमने ये दो दो का इकट्ठा बनाएंगे, जहाँ तक हमारे दूसरा कलर है, एक कलर से स्टार्ट करके देखिए इन दो को इकट्ठा बंद करेंगे और इसको हम यहाँ तक बना देंगे और इसके बाद फिर वैसे ही सिंगल सिंगल बनाएंगे। एक बार फिर देख लीजिए, एक बार फिर दो बार दोनों को इकट्ठा बंद करा, एक और एक दो, दोनों को इकट्ठा इस तरह से पूरा बना देंगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ तक ये पूरा राउंड हो गया, तो सीधी साइड अंदर की साइड करेंगे, उल्टी बाहर की साइड और इस तरह से पकड़ेंगे और यहीं से अभी दूसरे का एक कोना है, अब इन दोनों को इकट्ठा बंद करते चलेंगे नीचे तक। देखिए सिंगल सिंगल से करेंगे बंद, इसमें हमने सिलाई करने की जरूरत भी नहीं है, बस इसी तरह से हमें पूरा सिल देंगे। ये बैक पार्ट है, बस इस तरह से थोड़ा लूज लूज हमने इनको बंद करते जाना है दोनों साइड से। इस तरह से फिर हमारे बूट की सिलाई हो जाएगी। देखिए यहाँ से बूट सिल गया हमारा। अब ऐसे ही हम यहाँ से ये जो हमारा रेड वाला है यहाँ तक सिलेंगे, इससे आगे फिर मैं आपको फिर बताऊंगी किस तरह से सिलेंगे। ये दोनों को इस तरह से कपड़ा रेड तक सिल लेंगे इसी तरह से। अब देखिए यहाँ तक सिल लिया, अब यहाँ से आगे हम सिंगल करके सिलेंगे इस तरह से, एक एक इकट्ठा करते जाएंगे एक ही क्रोशिए पे, बस इस तरह से सभी को राउंड राउंड में। और ये लास्ट वाला, और इन सबको इकट्ठा इस तरह से बंद कर देंगे। और यहाँ से धागा है भी काट देंगे अब। इसको अच्छे से बाद में काट देंगे, फिर फिनिशिंग कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा बोट भी सिल के कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए इस तरह से फ्रेंड बहुत ही सुंदर बोट बन के आता है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।